हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे जो पेरेंट्स रहते हैं जिनको काफ़ी शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा झूठ बोलता है, बच्चे की झूठ की आदत हम कैसे छोड़ें। चलिए फ्रेंड्स, चार आसान टिप्स मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं, पहले ये जानने की आप कोशिश करें। बच्चे के अंदर झूठ बोलने का सबसे पहला रीज़न ये होता है कि बच्चा डर जाता है कि कहीं मम्मा बहुत जोर से रिएक्ट तो नहीं करेगी, बहुत जोर से चिल्लाएगी तो नहीं, मम्मा जोर से डांटेगी तो नहीं, फिर मम्मा जाके पापा को कंप्लेंट करेंगी, तो पापा भी फिर जो डांटेंगे, गुस्सा करेंगे। कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मार भी देते, पिटाई भी कर देते बच्चों की। तो आप पहले ही जानिए कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है। और बच्चों के अंदर की जो आदत, बच्चों के अंदर की जो झूठ बोलने की आदत है, आप उसे कैसे छुड़ा सकते। सबसे पहले बच्चे के अंदर का जो डर है वो निकालिए। बच्चे को समझाइए कि झूठ नहीं बोलना है, जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप बताओ कि क्या बात है, क्या टॉपिक है। और आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा कौन सी बात पे, कौन सी टॉपिक पे अटका हुआ है, जो हमसे छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। बच्चा कौन सी टॉपिक पे अटका हुआ है जिस कारण से वो झूठ बोल रहा है। तो बच्चे के अंदर का सबसे पहले आप डर निकालिए। और बच्चों से जब भी आप बात कीजिए, बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए। बच्चे को यह ना लगे कि झूठ बोल रहा तो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा गिल्टी कर रहा है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है। बच्चे के मन में ये मत लाए, बच्चे को गिल्टी फील मत कराए। उसे ऐसा लगे कि मैंने झूठ बोल के बहुत ज़्यादा पाप किया, उसे समझाने के चक्कर में ऐसा ना हो तो इसके मन को ऐसा लगे कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, तो उसे अच्छे से समझाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स आप भी बच्चों के सामने बिल्कुल मत बोलो। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ें हम बच्चों के छुपाने के लिए जो नहीं देना चाहते हैं, वो चीज़ों के बोल देते हैं कि नहीं है हमारे पास, हम छुपा देते हैं। तो ये चीज़ें भी आप अवॉइड कीजिए, बच्चों के सामने झूठ मत बोलो। तो क्या होगा, बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलोगे तो बच्चा भी समझ जाएगा कि मम्मा तो नहीं बोलती है, पापा तो नहीं बोलते, तो बच्चा भी नहीं बोलेगा। अगर आप ऐसा हुआ भी, घर में भी बच्चों के सामने झूठ बोले आप, उस सिचुएशन पर आप क्या कीजिए, बाद में बच्चों को अच्छाइए कि आपने झूठ कौन से रीज़न से बोला, बच्चा समझ जाएगा। बच्चों के अंदर का जो डर रहता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो मम्मा हमसे पनिशमेंट करेगी, बच्चे काफ़ी लोग डर जाते हैं कि हमें पेरेंट्स पनिश करेंगे। बच्चे को पनिश कीजिए, बट वो जो जहाँ ज़्यादा गलती करे वहाँ पे, बट इस बात के लिए पनिश बिल्कुल मत कीजिए। बच्चा यही सब सिचुएशन से डरता है और झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। सो पेरेंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बच्चों के अंदर का डर जो निकालना है कि मम्मा पापा को कोई पनिशमेंट नहीं करेगा, और बच्चों के अंदर का आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ताकि उनको अच्छी काउंसलिंग मिले और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े अच्छे से। सो पेरेंट्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।